वैक्सीन की बर्बादी में नंबर वन हरियाणा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, हरियाणा ने बर्बाद की करीब 3 लाख डोज। कोरोना की तबाही में वैक्सीन को लेकर पूरे देश में मारामारी मची है। वैक्सीन की कमी इतनी है कि 18 प्लस वालों को नसीब तक नहीं हो रही, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा ने वैक्सीन के लाखों डोज इस कदर बर्बाद कर दिए हैं जैसे लोगों की जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है। जी हाँ, कोरोना महामारी से जूझता वो हरियाणा जो वैक्सीन लगाने में देश में 15वें नंबर पर है, वही हरियाणा वैक्सीन की बर्बादी में नंबर वन पर है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हरियाणा ने वैक्सीन के इतने डोज बर्बाद किए हैं जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों को डबल डोज वैक्सीन लग जाती। जी हाँ, एक और लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर हरियाणा प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा 6.49% वैक्सीन के डोज बर्बाद किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर असम और तीसरे पर राजस्थान नाम शुमार है। किस राज्य ने कितनी खराब की वैक्सीन? हरियाणा 6.49%, असम 5.92%, राजस्थान 5.68%। हरियाणा को कुल मिली वैक्सीन 48,02,220। वैक्सीन के डोज बर्बाद करने वाले 10 प्रदेशों में हरियाणा अव्वल है। बात करें आंकड़ों की तो 6.49% की दर से हरियाणा में अब तक 2,87,667 वैक्सीन के डोज बर्बाद किए गए हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों को डबल डोज वैक्सीन के टीके लगाए जा सकते थे। हरियाणा को अब तक 48,02,220 वैक्सीन के टीके मिले हैं, जिसमें से 44,29,389 डोज खपत हुए हैं। वहीं असम में 5.92 व राजस्थान में 5.68 की दर से वैक्सीन के डोज खराब हुए हैं। वैक्सीन की बर्बादी के कारण जहां लोगों को टीके के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं 210 रुपए प्रति वैक्सीन के हिसाब से अकेले हरियाणा ने करीब 6,04,00,000 रुपए भी बर्बाद कर दिए हैं। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया तो दी है, लेकिन उनका कहना है कि अभी वो विभाग से जानकारी लेंगे, उसके बाद वैक्सीन की बर्बादी पर अपना पक्ष रखेंगे। वैक्सीन बर्बाद करने में हरियाणा नंबर एक पे आया, क्या कहेंगे इसमें? नहीं जी, इसके लिए मैंने विभाग से जानकारी मांगी है। हरियाणा में प्रति 100 वैक्सीन में 6 डोज हुए बर्बाद। आखिर क्या है वैक्सीन बर्बादी के कारण? लाखों डोज की बर्बादी पर भी चुप क्यों है हरियाणा? वैक्सीन को लेकर जिस तरह से मारामारी मची है उसे देखते हुए हरियाणा में वैक्सीन की बर्बादी कई सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन इस बीच वैक्सीन बर्बादी के कारणों का भी हवाला दिया जाने लगा है। बताया जा रहा है कि पहले को वैक्सीन की वॉयल में 20 डोज होती थी, कई बार आखिर में डोज से कम लोग टीका लेने वाले रहते हैं, ऐसे में वॉयल में बची वैक्सीन की डोज खराब हो जाती है। वैक्सीन की बर्बादी में दलीलें ये भी दी जा रही हैं कि कई बार वैक्सीन की डोज भरते वक्त दवा बाहर बिखर जाती है, ऐसे में डोज दोबारा भरी जाती है। हालांकि वैक्सीन की बर्बादी के और भी कई कारण हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में महामारी पैर पसारते हुए लोगों की जिंदगियां लील रही है, उसे देखते हुए वैक्सीन के टीके की बर्बादी हरियाणा सरकार को सवालों के कटघरे में जरूर खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।